ये लिखा कि पेंसिल और रबड़ और शार्पनर और मेरी प्यारी प्यारी मैगी मैगी क्यों हो गई है। क्या बात है, गुड शॉट। खजाने का पता चल गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप तो मीडिया वाले हैं, आपका जो कैमरा है वो तो हकीकत दिखाता है। साला कमीना रिश्वत खोर। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। बोलूंगा पर ऐसी कौन सी चीप है कि वो जो ईडी को भाजपा ही चीप नजर नहीं आती है और बाकी सबकी चीप नजर आती है। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। इनके शासन में 5,222 केसेस जो टोटल हुए हैं पीएमएलए, 5,312 केस हुए हैं, कोई भाजपा ही नहीं है। बाबू भैया तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आज तो संबित जी ने कोटी पहनी हुई है तो नहीं तो इनकी भी सफेदी चमक रही है। अरे पागल के ये साला चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता देगा ये। कल संसद में उनको महंगाई पे चर्चा करनी पड़ी। वो महंगाई की चर्चा में एक 6 साल की बच्ची ने अपना लेटर लिखा प्रधानमंत्री जी को, उसको भी झुटला दिया। वो बच्ची ने कहा मेरी मैगी भी महंगी हो गई है। नहीं, महंगाई नहीं है, भाजपा ने ऑर्डर पास कर दिया कि महंगाई नहीं है तो नहीं है महंगाई। और आगे बोल नहीं बता। ए बता 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 भाई 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 मेरा भाई बता 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 मेरा बता बता बता। मैंने ये लिखा कि पेंसिल और रबर और शार्पनर और मैगी क्यों हो गई है। क्या बात है, गुड शॉट। जिसमें उसने कहा कि मेरा नाम कृति दुबे है, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मोदी जी आपने बहुत महंगाई कर दी है, यहाँ तक पेंसिल रबड़ तक महंगी कर दी है और मेरी मैगी के भी दाम बढ़ा दिए हैं। अब मेरी माँ पेंसिल मांगने पर मारती है, मैं क्या करूँ। तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, जोर से बोलो वाह मोदी जी वाह वाह वाह। तो नहीं होता है, अब हमारे यहाँ नहीं है भ्रष्टाचारी भैया, कोई नहीं है। मजा आया। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। क्या मनोज ट्रक के नीचे आएगा, मैं यही कह रहा हूँ। तो उसमें सेल नहीं हो सकता यंग, सेक्शन 15 नहीं। देखिए अमन जी, मुझे मालूम है, जैसे कई बार क्या होता है, छात्र कमजोर होता है ना तो टीचर उसकी मदद करता है, तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। अगर मेरे फैक्ट्स गलत, जली ना तेरी भी जली ना। गोदी मीडिया ने विपक्ष विरोधी पत्रकारिता का आविष्कार किया है। वह विपक्ष पर हमले करता है, सरकार को देखते ही उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। क्या हो रहा, आज महंगाई की हम बात कर रहे हैं, देश टॉप पे चला गया, 7% के ऊपर महंगाई का दर है, पर इनको स्वीकार नहीं करना है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं जिस गुजरात से हूं, मैं आपको बता रहा हूं अमन जी, जिस प्रकार का हाल है वहां पे, 100 लोगों के करीब अभी लोग 2-4 दिन पहले मृत्यु हुई। एक भी प्रधानमंत्री की ट्वीट नहीं आई, एक भी भाजपाई नेता का ट्वीट नहीं आया। ये 27 साल का कौन सा गुजरात मॉडल है। नशे की बात करें, करोड़ों की वहां पे ड्रग्स पकड़ी जा रही है, एक भी आदमी भाजपाई बोल नहीं रहा है। ये सब पैसा कहां जा रहा है, वहां पे ईडी क्यों नहीं आ रहा है। जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, और जो लोग राजद्रोह देशद्रोह स्मगलिंग जैसे काम करते हैं लोग उन्हें हार पहना देते हैं। शाबाश बेटा। और ये सारे लोग मिलके इसका पर्चा लिखते रखते हैं, पूरा सारा लिखते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज साला, यहाँ ये क्या सर्कस चल रहा है, कोई बताएगा मुझे। देखिए जो भाजपा के चंगू मंगू है यहाँ पे आके कुछ भी बोलते हैं। इस प्रकार से देश का इन्होंने माहौल बना रखा है, हर चीज को मजाक में उड़ा रहे हैं। अभी उनके नेता संसद में बोल रहे हैं कि हमको तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारा अनाज हमको ही दे रहे हैं। भैया प्रधानमंत्री का धन्यवाद तो इसलिए कहना करना चाहिए कि नोटबंदी के बाद भी हम लोग बच गए, जीएसटी के बाद भी हम बच गए, कोरोना के बाद भी हम बच गए, बेरोजगारी के बाद भी हम लोग बच गए। मैंने तुमको अपना गुरु माना और तुमने क्या किया मेरे साथ, गुरुद्वारे के बाहर हाथ में कटोरा देकर भिखारी बनाकर खड़ा कर दिया मुझे और बोले बेटा मान भी। देश की जनता इनसे त्रस्त है। अभी आज ही एक आंकड़ा आया है कि उज्ज्वला योजना में 4.5 करोड़ महिलाओं ने कभी रिफिल ही नहीं कराया, और इनके देखिए बोर्ड ये चंगू मंगू लेके घूमते हैं, उज्ज्वला उज्ज्वला एयरपोर्ट पे। तुम्हें शर्म है, कुछ शर्म आया है, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मुझे वाइंड अप करना है। हर घर तिरंगा अभियान का समर्थन करते हैं। बिल्कुल, हर घर तिरंगा देश का अभियान है, पर उसके पीछे हर दिल में तिरंगा होना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई,
क्या तकलीफ है इनको? तिरंगा नहीं फहराया, कुछ हो गया, फिर कुछ जो हो गया संघ है रोहन, 70 साल जवाब दीजिए ना, तिरंगा क्यों नहीं फहराया? अरे शांति से आपके कार्यालय पे तिरंगा क्यों नहीं फहराया? अरे भाई चिंता मत, आप शांति से बैठो, 13, 14, 15 झंडा प्लीज फहराना। अरे बिल्कुल करेंगे आप। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बोल रहे हैं आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है देश को, जो लोगों फहराएंगे ना अपने मुख्यालय जी, सोनिया जी फहराएंगे ना घर पे, 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, वो आज राष्ट्रपति के, ये फंस गया सी घर के ऊपर, क्यों नहीं फहराया? देखा है मैंने, संघ ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया 50 साल तक? अच्छा नहीं अब आए ना लाइन पे, नहीं क्यों नहीं होगा? राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल देते हैं, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है संबंध। अरे आप भी जानते, आप ऐसे है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है? आप बताइए, तो गेम बजाना पड़ेगा, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। आपको जो प्रज्ञा इनकी जो सांसद है, मैं बताऊं, गोर से जिंदाबाद कहा, कभी भाजपा ने उसको रिट्रैक्ट नहीं किया, कम से कम जब हुआ है कांग्रेस पार्टी ने कहा तो है। मुझे बताइए जो इनका स्टैंड है साध्वी प्रज्ञा, क्या गोर से जिंदाबाद ही अपने मुंह से बोलेंगे? बताइए आप हैं क्या? बताइए, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। चलिए चंगू जी बताइए आप है कि नहीं है, बोलिए आप, ऐसे नहीं होता। अब्बा नहीं मानेंगे। अरे चंगू जी आप बता दीजिए, आज आपका नामकरण हो चुका है देश के सामने। गुड बाय, गया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक।